हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। जय माता दी। आप सभी पर माता चंद्रघंटा की कृपा बनी रहे। और यहाँ पर मैं, आज है शनिवार और आज है माता रानी का तीसरा दिन। और अभी माता रानी सभी के घर पर आई हुई है 9 दिनों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, पता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नवरात्रि में मैं व्रत भी रखती हूँ और माँ की चौकी लगाना, मतलब एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे नवरात्र का। और वैसे सभी त्योहारों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और मुझे पता है त्योहार जब आते हैं तो घर में जो साफ़ सफाई करना या मतलब सजावट करना, इस तरह के जो काम होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा चेंज हो जाता है, वरना एक सी लाइफ जीते रहो, वही सुबह उठना, झाड़ू पोछा लगाना, वही सारे काम करना, तो एक बोर से हो जाओ। लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो थोड़ा चेंज सा मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। जैसे मतलब, और अपने यहाँ पर जो बच्चे हों अपने घर पर, तो उन सबको इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। हमारे बच्चे भी सीखते हैं कि मतलब कौन कौन से फेस्टिवल वगैरह होते हैं या कौन से त्यौहार पर कौन से भगवान जी की पूजा होती है। इस तरह से सारी चीज़ें अपने बच्चों को भी, मतलब इन चीज़ों से बच्चों को दूर नहीं रखना चाहिए, बच्चों को भी साथ में मतलब सब कुछ बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, मतलब उन्हें भी पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। आज है दिन शनिवार और मैंने आज अभी नहाया नहीं, वरना मैं नवरात्र में सुबह ही नहा लेती हूँ 5 बजे तक, 4:30 या 5 बजे। जब 4:30 पर उठती हूँ तो 5 बजे तक नहा लेती हूँ, 5 बजे उठती हूँ तो 5:30, इस तरह से मॉर्निंग में नहा लेती हूँ। पर आज हस्बैंड को स्कूल नहीं जाना था, वो मम्मी की आँख का चेकअप कराने जाएंगे। मम्मी की आँखों में दिक्कत हो रही है क्योंकि डॉक्टर ने, फिर जब मम्मी आँखें दिखा कर आई तो डॉक्टर ने उनके लिए मोतियाबिंद बताया था, काला वाला मतलब होता होगा वो बताया था, तो दवाई दे दी 15 दिन की, दोबारा से बुलाया है तभी जाएंगी। तो यहाँ पर मैं, निहारिका मतलब मेरी भांजी आई हुई है, वो कॉलेज जाएगी, तो उसके लिए बंदू गोभी पराठा बनाया है अपने भाई के लिए और मम्मी के लिए। और हमारा और मतलब इनका, मेरे पति का व्रत है नवरात्र का, तो आज मुझे फलाहार में कुछ बनाना नहीं था क्योंकि हस्बैंड जब नहा धोकर मतलब बरेली से आने के बाद में खाएंगे, कह रहे थे 10:30 तक वापस आ जाएंगे, तो वो 10 बजे तक आ गए थे क्योंकि डॉक्टर को फ़ोन किया था तो वो 8 बजे बैठ जाते हैं, मतलब पता नहीं क्यों इतनी जल्दी बैठ जाते हैं, मुझे आइडिया नहीं इस बात का। तो फिर ये मम्मी को लेकर 7:30 तक निकल गए थे, तो मम्मी नहा ली थी, तो मम्मी ने ही इनके लिए मखाने वगैरह भून कर चाय बना कर दे दी थी, तो इन्होंने माता रानी का भोग भी लगा दिया था और अपना थोड़ा सा फलार करके चले गए थे मम्मी को लेकर। और मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया था, मम्मी को थोड़े से ओट्स बनाकर मैंने दे दिए थे। और यहाँ पर मैंने टिफ़िन लगाने के लिए इन लोगों के लिए पराठा वगैरह बना दिया है और बंद गोभी की सब्ज़ी भी बन गई है। और उसके बाद मैंने झाड़ू तो लग गई थी, पोछा लगाया था, बर्तन साफ किए थे और मशीन में कपड़े डाले थे और अपना पूरा किचन क्लीन किया था, ये सब काम किया। अब देखिए मम्मी नहा कर आ गई है, तो मम्मी ने यहाँ पर ये जो हवन करेंगे मेरे पति, उनके लिए वो कंडी भी रख दी थी और मखाने भी तल दिए थे। फिर ये लोग चले गए थे, फिर नहा धोकर मैंने भी माता रानी की पूजा की, तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को टीका लगाया, फिर माता रानी के लिए, फिर जो कलश है वहाँ पर मैंने जो ज्वारे बोए हैं वहाँ पर, और जो हवन करती हूँ वहाँ सभी के लिए फूल चढ़ाए। और आज माता चंद्रघंटा का दिन है तो इनके लिए पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो आज मैंने पीले रंग का सूट भी पहन लिया है। और माँ के लिए दूध से बनी हुई, मतलब कोई भी मिठाई हो, खीर हो, कोई भी चीज़ दूध का बना हुआ प्रसाद मतलब भोग लगाना चाहिए, तो मैं इनके लिए बनाऊँगी मखाने की खीर। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और कपूर निकाल लिया है आरती करने के लिए, क्योंकि जो दीपक मैंने जला देती हूँ ना माता रानी के पास में, उस दीपक को मैं नहीं उठाती हूँ। और जो भोग लगाने के लिए सारा सामान रख दिया है, उसी में से मैं हवन में भी चढ़ाती हूँ, मतलब जो चीज़ माता रानी के लिए भोग लगाती हूँ वही हवन में चढ़ाती हूँ। फिर मैं अपने पाठ वगैरह कर लूँगी, इलायची चढ़ा दी है, सुपारी चढ़ा दी, इस तरह की चीज़ें ये जो चढ़ाई जाती हैं वो चढ़ा देती हूँ। फिर मैं अपने दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लूँगी।
और आज मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई थी। पता है सुबह के लिए क्या होता था, मैं पूजा करती थी लेकिन मुझे मन में ये रहता था कि हस्बैंड के लिए लंच बनाना है, मतलब फलाहार बनाना है और इन लोगों के लिए लंच बनाना है, तो थोड़ा मैं उसमें रहती थी। और आज क्या था, सारे काम से मैं फ्री थी, नहाने गई थी तो मैया आलू भी बॉयल मेरी कर। गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निसी निर्यावती हरि ब्रह्मा सिंह की जय। अम्बे गौरी मांगी सिंदूर विराज, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्वल से दो नैना चंद्र बदनी को, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निसी दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिव, जय अम्बे गौरी। उसके बाद मैंने गणेश जी की आरती करी थी, माता रानी की आरती करी, फिर आरती को ठंडा कर दूंगी और जो हवन किया है वो सब कुछ तो जल घुमा दिया है मैंने, और फिर माता रानी के लिए आरती दे दूंगी और मैं भी आरती ले लूंगी। तो इस तरह से मेरी हो गई आज की पूजा, और अभी पूजा करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मन खुश रहता है। और मेरी बेटी भी मेरे साथ बैठती है, वो भी पूजा करती है, मतलब जितना कर सकती है वो करती है। तो यहाँ पर लगा दूँगी मैं धूप। हे गाइज, अब सारी पूजा वगैरह हो गई है, अब मैं बनाऊंगी इनके लिए कुछ फलाहार में। ये देखिए, आलू बॉयल करने के लिए नहाने से पहले रख गई थी, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं खोया, जिसकी मैं करूँगी संकटा माता की पिन्नी। और अब बनाऊंगी अपने लिए चाय, सबसे पहले चाय पीऊँगी। काम करते करते आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, क्योंकि आज सुबह से मैं काम कर ही रही हूँ, बहुत सारा काम किया है मैंने। ठीक है, अब चाय बना लूँ अपने लिए और थोड़ी देर बैठूँगी। और पूजा हो गई है, आप लोग बने रहना ब्लॉग में। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आलू बॉयल हो गए थे, फिर यहाँ पर दूध भी आ गया था, वो भी मैं ले आई थी। अब दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, और ये बर्तन मैंने नहाने से पहले धोए थे, ये स्टैंड में लगा दूँगी। और मम्मी और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, उन लोगों के लिए मैंने पानी दे दिया है, मम्मी से खाने के लिए बोला था तो वो कह रही थी अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे, और अभी एकदम से आए तो भी मन नहीं है। और हस्बैंड से पूछा तो अभी वो उन्होंने भी मना कर दिया, वो बोले चाय बना दो पहले, तो मैं चाय बनाऊंगी। चाय बनाने से पहले बनाऊंगी मैं खीर, पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद खीर भी दे दूंगी हस्बैंड के लिए खाने के लिए, और उनको अच्छी भी लगती है मखाने की खीर जो बनाती हूँ मैं, और थोड़ी सही भी रहती है, हेल्दी भी हो जाती है, तो सही रहती है, मैं भी खा लेती हूँ। वरना मैं और कुछ भी दिन में नहीं खाती हूँ, मुझे पता है फल वगैरह भी नहीं खा मिलते हैं व्रत जब होता है, जब व्रत नहीं होता तब तो शायद खा लूँ, ले व्रत होता है तो फल नहीं खा मिलते हैं। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं खोया, तो खोया के लिए मैंने दूध ले लिया था 4.5 लीटर, तो वो ही थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाती जा रही हूँ, जितना ये मतलब कम होता जा रहा है उतना ही मैं बढ़ाती जा रही हूँ। और मैं करूँगी माता रानी की पिन्नी, मैं हर महीने ही करती हूँ, तो मतलब इस बार तो नवरात्र है, अगर नहीं भी करती होती तो नवरात्र में ज़रूर करती। देखिए गाइस, मेरे ये जौ कितने अच्छे से हो गए हैं आप देख सकते हैं, और आज है तीसरा दिन, तो तीसरे दिन देखिए काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। हे गाइस, आज है नवरात्र का तीसरा दिन, तो मैं बनाऊंगी माँ चंद्रघंटा के लिए खीर। तो पता है उनके लिए दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए,
मतलब कुछ भी हो दूध से बना हुआ, तो दूध का भी भोग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है दूध से बना हुआ हो। तो ये खीर का भोग लगाऊंगी क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो मैं चावल की खीर नहीं बना रही हूँ। और तो ये मखाने की खीर बना दूंगी, फिर मैं भोग लगाऊंगी, उसके बाद में ही मैं कुछ खाऊंगी। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है पूजा करने के बाद में, पहले मैं ये खीर बना के माता रानी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद में फिर तभी मैं चाय बनाऊंगी। मैंने चाय भी नहीं बनाई अभी अपने लिए। देखिए मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था, आ गया था दूध 10 बजे, वो भैया आ जाते हैं दूध देने के लिए तो वो दे गए थे। और यहाँ पर देखिए ये बनना है खोया पिन्नी के लिए, क्योंकि मैं पिन्नी करूँगी संकटा मैया की, तो मैंने दूध ले लिया था रात में, तो इसको खोया बनाने के लिए रख दिया है। अभी थोड़ा सा इस भगोने में और रह गया है, 4.5 लीटर लिया था, तो इसमें मैं बढ़ाती रहूँगी धीरे धीरे, और ये ऐसे धीरे धीरे बनता रहेगा। और जब ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसको चलाती रहूँगी। और ये मैंने इसलिए रख दिया ताकि ये निकले नहीं। अब बस अब मैं इसको बॉयल हो जाएगा तब ये खीर बना लूँगी, और इसमें अभी और भी ड्राई फ्रूट्स डाल लूँगी मैं। अभी एक हाथ में भी फ़ोन पकड़ी हुई हूँ ना, तो इसीलिए नहीं डाल पा रही हूँ, इसीलिए आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। अभी डाल लूँगी, और मतलब फल का और मेवे का इस तरह का भोग लगा दिया है हमने। और अब मेरे पति के लिए मैंने जो आलू बॉयल करे हैं ना, उनका कुछ बनाऊंगी मैं। ये यार फिर तो वो टिक्की बनवाएंगे फलहार वाली, या आलू भी फ्राई करवा सकते हैं, मतलब जो भी बोलेंगे वो करवा दूंगी, क्योंकि वो मम्मी को दवाई दिलवा कर आ चुके हैं, डॉक्टर 8 बजे बैठ गए थे और अब तक वो घर पर आ गए हैं। तो दोनों लोग घर पर आ गए हैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड। मम्मी की आँखों में दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने उनको काला मोतियाबिंद बताया है, तो वो आ गई हैं दिखाने के बाद। अब वो बैठ लेटी हुई हैं, एकदम से कहीं से आओ तो कुछ खाने पीने का मन नहीं होता। अब मैं उन्हें कुछ दूंगी और अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है खीर का भोग। और आपका मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। और आप कमेंट में बता दिया करो कोई भी कमी रहा करे तो। हे गाइस, अब देखिए मैंने ये आलू भून दिए हैं इनके लिए, अब ये खा लेंगे। और इनको ना ये देसी घी में भूनती हूँ, और काफ़ी टाइम तक इनको भूनती रहती हूँ ना, तो इस तरह के आलू पसंद है, ऐसे देखने में थोड़े इस तरह से हो जाए। और मैं तो खाऊंगी नहीं, मतलब मैं नमक नहीं खाती हूँ, रात को ही खाती हूँ, दिन में नहीं खाती हूँ। और ये खाएंगे, ये मैंने इनके लिए भून दिए हैं। और भगवान जी के लिए भोग के लिए भी रखाई हूँ थोड़े से इसमें ठंडे करके, क्योंकि इनमें तो बहुत देर तक ये भूनने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। तो अपने लड्डू गोपाल की लिया, माता रानी के दोनों का भोग लगा दिया मैंने।